हुआ था। कार्तिक ने पूछ लिया नायरा से सुलगता सवाल। कार्तिक के शक ने कर दिया कायरा के रिश्ते को तबाह। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में जिसका अंदेशा पहले से ही था वो हो गया है। मिताली की बातें कार्तिक के दिलो दिमाग पर इस कदर हावी हुई थी कि आज जब कार्तिक घर लौटे तो कार्तिक की हालत देखकर नायरा भी हैरान है। घर के बाहर भी तूफान है और आज कार्तिक नायरा के रिश्ते में भी तूफान ही आने वाला है, क्योंकि आज कार्तिक सब कुछ साफ साफ पूछने के मूड में है। इसके बाद कार्तिक नायरा से वो सवाल पूछ लेते हैं जिसके लिए नायरा भी कभी तैयार नहीं थी। होटल रूम में क्या तुम्हारे और मिहिर के बीच कुछ हुआ था? कार्तिक का सवाल नायरा पर कहर बनकर टूटा है। अपने शक और गिल्ट में डूबे कार्तिक नायरा के मुंह से सिर्फ सच सुनना चाहते हैं और नायरा सदमे में पत्थर की हो गई है। चलिए अब चलते हैं कार्तिक और नायरा के पास। नायरा, आप कार्तिक को गुड न्यूज देने वाली थी लेकिन यहाँ तो कार्तिक ने आपके कैरेक्टर पर ही सवाल उठा दिया है। नायरा बहुत खुश होती है, वो कार्तिक का वेट कर रही है, तो शी इज प्रेग्नेंट। उसकी डॉक्टर उसे कॉल करके कंफर्म कर दी है और वो और ये खुशी कार्तिक के साथ शेयर करना चाहती है, तो शी इज़ वेरी एक्साइटेड। और ये सोच सोच के वो बहुत खुश हो रही है कि जब कार्तिक को ये बात पता चलेगी तो उनका रिएक्शन क्या होगा। और वो कार्तिक का वेट कर रही होती है, जैसे कार्तिक रूम में आते हैं उनकी हालत देख के वो भी थोड़ा सा डर जाती है। पूछती है, कई बार पूछती है कार्तिक से कि क्या है, क्यों, कुछ हुआ है तो बताओ। और जब कार्तिक बताते हैं तो नायरा एकदम ब्लैंक हो जाती है, मतलब उसे विश्वास नहीं होता, तो ना पांव तले जमीन खिसक जाती है नायरा। तो कार्तिक, शक की जो आग इतने दिनों से आपके दिल में जल रही थी उससे आपने अपने प्यार का रिश्ता भी जला दिया। फाइनली यू नो ही इज आस्क्ड एंड द मोमेंट ही आस्क्ड उन्हें ऐसा लगता है कि शिट, मैंने क्यों पूछ लिया, क्योंकि वो सारी चीज़ें, वो सारा बड़ा जो किसी और ने उनके कान में डाला था, जो किसी और ने उनके दिमाग में डाला था, जो इवेंट्स एक एक करके जो सारे होते गए उनकी लाइफ में, जो बार बार उन्हें इंस्टिगेट करते रहे, तो फाइनली बहुत सॉरी बोलने के बाद, बहुत रोने के बाद, बहुत गिड़गिड़ाने के बाद, रास्ते पे गिरने के बाद, और ही कम्स बैक होम। नायरा उन्हें ऊपर बुलाती है तो भीगे हुए हैं बारिश में, और उस हालत में फाइनली उनसे जाके पूछ लेते हैं, एंड द मोमेंट ही आस्क ही रियलाइजेस दैट ही इज मेड अ मिस्टेक। कहा नायरा कार्तिक को पापा बनने की खुशखबरी देने वाली थी और कहा कार्तिक के सवाल ने नायरा के भरोसे और विश्वास को ही तोड़ दिया। इसके बाद नायरा के कदम उठ गए हैं घर से बाहर जाने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए कार्तिक से दूर जाने के लिए। शो में अब जल्द ही 5 साल की लीप आने वाली है जिसके बाद कार्तिक और नायरा के रिश्ते को कौन सा नया नाम और रूप मिलेगा, ये देखने का इंतजार कायरा फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। मुंबई से शिल्पा पाटिल की रिपोर्ट, E24।